श्रावण मास महात्म्य त्रीसमो अध्याय। भगवान शंकरे सनत कुमार ने कह्यु, हे सनत कुमार, मैं तमने जे श्रावण मासना महात्म्य ने कह्यु छे तेनु वर्णन 100 वर्षो मा पण नथी थई शकतु। मारी प्रिय सतीए दक्ष प्रजापति ना यज्ञ मा पोताना देह ने त्याग करीने हिमालयनी पुत्री थईने श्रावण मासनु सेवन कर्यु हतु, जेनाथी सतीए मने प्राप्त कर्यु। अथ आ महीनो मने अतिशय प्रिय छे। श्रावण मासमा ना तो अति ठंडक होय छे, ना तो वधारे गर्मी होय छे। आ मासमा वैदिक मंत्र सफेद भस्मनो लागे छे। मिश्रित 12 त्रिपुंड धारण करवा, मस्तक, छाती, नाभी, 2 भुजाओ, 2 खंभा, माथा तथा वाहामा मानस्तोक मंत्रथी, सद्योजाति अने षडक्षर मंत्रथी सर्वांगमा भस्म सुशोभित करवो। शरीरमा 108 रुद्राक्ष धारण करवा, 32 रुद्राक्ष कंठमा, 22 मस्तकमा, 12 रुद्राक्ष 2 कानमा, 24 2 हाथमा, 8-8 2 भुजाओमा, 1 रुद्राक्ष भालमा तथा 1 शिखाग्र भागमा धारण करवो। आ प्रमाणे 108 रुद्राक्षोथी पोताना देहने सुशोभित करीने मारी पूजा करवी। पंचाक्षर मंत्रना जप करवा, हे विप्रेंद्र, श्रावण मासमा केशव तथा मारी पूजा करवी। मने कृष्ण जन्माष्टमी अधिक प्रिय छे। आ दिवसे देवकीना गर्भथी हरि प्रादुर्भाव थया। हे विप्र, मैं तमने श्रावण मासना लेश मात्र महात्म्य ने कह्यु। त्यारे सनत कुमारे कह्यु, महादेव, श्रावण मासना जे कर्मोनी तमे मने कह्यु छे ते बधु श्रवण करता वक्ते आनंद रूपी सागर मा मग्न थई जावाना कारणे तथा अधिक होवाना कारणे मने याद नथी, तो कृपा करीने तथ्य रूप थी तमे मने क्रम थी समझन पड़े तेम कहो। भगवान शिव बोलिया, हे विप्र, ध्यान पूर्वक शुभ अनुक्रमणिका सांभड़ो। शौनक नो पूर्व प्रश्न छे, अनंतर सूत नो उत्तर छे, श्रवण करनार गणोनी कथा, तमारा प्रश्न तथा श्रावण मासनी स्तुति। हे मुनि, फरीथी उत्तम क्रम जेमा बद्धो उद्देश्य छे, विशिष्ट रूप थी तमारा प्रश्न, नक्तव्रत, रुद्राभिषेक तथा लक्ष्य पूजन विधान, दीपदान महात्म्य, कोई पन एक प्रिय वस्तु ने छोड़वी, रुद्राभिषेक नु फड़, पंचामृत थी रुद्राभिषेक नु फड़, भूमिशयन तथा मौन व्रत, धारण पारण फड़, विधि कथन, कोटलिंग विधान, अनोदन व्रत कथन, हविष्यान्न भोजन, पत्रोलीमा जम्वु, पाक त्याग, भूषयन, प्रातःकाल स्नान, दम तथा शम कथन, स्फटिक आदि लिंगोमा अजपा जप पूजन फड़, प्रदक्षिणा नमस्कार वेद पारायण, पुरुष सूक्त विधि, ग्रहयज्ञ विधि, क्रम थी रवि चंद्र तथा भौमना व्रत कथन, बुध तथा गुरु व्रत, शुक्रवारे जीवंतिका व्रत, शनिवारे नृसिंह व्रत, शनि हनुमान तथा पीपड़ा व्रत कथन, रोटक व्रत तथा औदुम्बर व्रत महात्म्य, स्वर्ण गौरी तथा दुर्वा गणपति व्रत कथन, पाचमना दिवसे नाग व्रत, छठना दिवसे सुपोदन, सातमना दिवसे शीतड़ा व्रत तथा पवित्रारोपण विधि, नोमना दिवसे दुर्गा कुमारी पूजा, दशमीना दिवसे आशा व्रत, एकादशी द्वय व्रत, 12 दिवसे विष्णु प्रीत्यर्थ पवित्रारोपण, 13 दिवसे कामदेव व्रत, 14 दिवसे शिव प्रीत्यर्थ पवित्रारोपण, पूनमना दिवसे उपाकर्म उत्सर्ग तथा श्रवण कर्म, हयग्रीव जयंती महोत्सव, सभादीप, रक्षाबंधन,
गणेशनू संकट नाशन व्रत, कृष्ण जन्माष्टमी व्रत कथा तथा विधि, पिथोर व्रत, पोल संगनक वृषभ व्रत, दर्भ संग्रह, नदियोनो रजस्वला समय, सिंह संक्रांति मा गौ प्रसन्न थवाथी शांति, कर्क सिंह श्रावण मा दान, स्नान युक्त मास महात्म्य, श्रवण कथन, व्यास पूजा, अगस्त्य ऋषि अर्घ्य विधि, कर्म तथा व्रतोना फड़, निर्णय तथा मास महात्म्य, श्रवंथी महिनाना बधा व्रतोना फल भागी थवु। हे सनत कुमार, तमे तमारा मन मा आज क्रम ने ग्रहण करो। आ अध्याय ने जे श्रवण करे छे, अथवा तो श्रावण मासना संपूर्ण महात्म्य ने जे श्रवण करे छे, ते महिनाना बधा व्रतोना फल ने प्राप्त करी लिए छे। हे विप्र, अधिक कहवाथी शू लाभ? आ श्रावण मास मा कोई पन एक व्रत पन करे तो ते प्राणी मारो प्रिय पात्र थई जाय छे। सूत महर्षिए शौनकादि ऋषियों ने कह्यू, हे देवर्षिगण, कानोमा अमृतपान करीने अमे आनंदित तथा कृतकृत्य थई गया। देवर्षित्तम सनत कुमारे श्रावण मासना महात्म्य ने पोताना हृदयमा स्मरण करीने आज्ञा लईने त्याथी पोताना आश्रमे चाल्या गया।